और हम यहाँ पे डालेंगे एक वेबसाइट खोलेंगे, सिर्फ हमने लिखना है पीएफ। उसके बाद ये देख सकते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज, ये हमने ओपन करनी है। और नीचे देख सकते हैं वेबसाइट है www.epfiindia.com, इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपका पेज खुलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये लिखा है योर सर्विस, इस पे जाएंगे हम। और ये जो हमें सेकंड नंबर दिख रहा है फॉर एम्प्लॉयज़, हमको इसको सिलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉयज़ पे। उसके बाद कुछ एक ये पेज खुलेगा, फिर ये नीचे देख सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये मेंबर पासबुक इसको ओके करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने पहले ही अपना इसमें रजिस्टर हो चुका हूँ। तो ये मेरा पीएफ यूएनए नंबर है और नीचे पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। और उसके बाद यहाँ आके आप ये देख जो भी यहाँ पे कैपिटल अक्षर में लिखा हुआ है इसको आप यहाँ एंटर करना है, जैसे कि कैपिटल बी आर कैपिटल ए 7 यू, ये हम डाल के और इसको लॉगिन कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा योर यूएनए पासवर्ड नॉट अवेलेबल। तो पासवर्ड हमें चेंज, पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा, गलत पासवर्ड हो गया मेरा। तो हम इसको काट देंगे, जैसे कि मेरा पासवर्ड डाल देता हूँ मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। तो अब आपको दिखाते हैं, अब यहाँ पे ये वाला कैप अक्षर टाइप करना है T9DSM। तो ये हमारा, ये देखो पासबुक ओपन हो गई है। तो हमको क्या करना है, ये जहाँ का भी है आपका, मेरा राजस्थान का है, तो मैं जैसे इसे ये डाउनलोड करनी पड़ेगी हमें, देखें ये जो लिखा हुआ है इसको डाउनलोड करना है। ये हमारा डाउनलोड होगा, ये डाउनलोडिंग पे लग गया है, ये हमारी डाउनलोड हो गई। उसके बाद ओपन करेंगे इसको, तो ओपन करेंगे ये देख सकते हैं दोस्तों ये मेरे पीएफ का जो है अभी खुल गया। अभी मैं नया ही अकाउंट मेरा बना है, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 साल का है ये। तो ये नीचे देख सकते हैं कितना आपका पीएफ कट रहा है, कितनी आपको पेंशन मिल रही है और कितना आपका कंपनी दे रही है, वो सारा कुछ दिखा रहा है। और नीचे आपका टोटल राशि भी दिखा रहा है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों जूम करके ये टोटल ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप दोस्तों बड़ी आराम से अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ वीडियो को लाइक कर दें। और आगे किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए हो तो अगर बताना है कुछ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उस चीज़ पर ही वीडियो बना दूँगा। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।